बात मत बना अनु भाई, मनीष भाई दारू को काम ना है, चुप रहो, मेरे दिमाग से मत बिठाओ। गाली गलौज बिल्कुल नहीं चलेगी। ये ड्रामा है ना अनवा, तू बंद कर मोबाइल, तू रट, पकड़ ले, तू पकड़ ले, तो मैं पकड़ ही रहा हूं। मैं कोशिश करेंगे हम इसको, एक बार ही अंदर जाएगा तो अगली बार ही अंदर चला ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, बारूडी ले लेते हैं अब। भाई बारूडी लेने के बाद इससे कई बार प्रयास कर रहे थे इनको मारने की, मैं कह रहा हूँ इनको मारना नहीं है, ये जीव है। परोपकार या परोपकार, आप समझ सकते हो, सेवा करते करते रात के 10 बज चुके हैं। ये हमारे जैन साहब, मैं हूँ भाई साहब, आप समझ सकते हो, ये जैन धर्म को मानने वाले, बहुत ही अहिंसा को अपनाने वाले जैन लोग हैं। तो अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले हैं। ये हमारे अन्नू भाई जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, गुटखा चबा रहे हैं। अभी एक सांप निकला हुआ है, ये इनका ट्यूबवेल का क्षेत्र है, खेत खलियान का क्षेत्र है, तो अक्सर खेत खलियान में सांप निकल आते हैं। बहुत ही खतरनाक सांप, आप देख सकते हो, इन्होंने दारू पी रखी है। तो वैसे हम ऐसी जगह पर रेस्क्यू करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि यह कोई खेल तमाशा नहीं है। ये हमारे दिमाग को भटकाएंगे और हो सकता है कुछ ऐसी बदतमीजी भी कर दें जिससे कि किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन बुलाया गया है, बहुत ही मुश्किल कार्य, कहना है कि इसके अंदर बहुत ही घातक विष न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। जब देख सकते हो आप किस तरीके से ये अपनी प्लेट के पीछे छुपकर बैठा हुआ है, लेकिन बहुत ही खतरनाक विषैला सांप, आप इसको स्पष्ट पहचान सकते हो। बहुत बोतल नहीं जनता, डिब्बा चाहिए बड़ा बड़ा, 2 लीटर की बोतल है। आप समझ सकते हो कि यह कॉमन करेट बहुत ही विषैला सांप है, इसको हम बखूबी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। भाई बहुत भाई भयंकर, अब देख सकते हो किस तरीके से इसके बैठा हुआ है। बर्तन की जगह सर, बर्तनों में तीलन की जगह है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नीचे बहुत ही साफ सफाई रखें, क्योंकि अभी दिखाई दे गया बहुत ही अच्छा रहा, बेड भी पास में। जब भी रात में आप अपने कपड़ों में जाएं तो कृपया कपड़ों को जरा लें, क्योंकि यह मनुष्य की गर्मी को देखकर, क्योंकि सांप बहुत ही संवेदनशील होता है और इसके पास ईश्वर ने ऐसी चीज दी है कि यह गर्मी को भांप लेता है। इसके पास संवेदनशील गड्ढे होते हैं जिससे मनुष्य की तरफ आकर्षित होकर खिंचा चला आता है। और क्या है, यह लोग दारू वारू भी पी लेते हैं, इधर रहते हैं खेत खलिहान में, तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए। खेत खलिहान में आप देख सकते हो साक्षात मौत बैठी हुई है, तो कभी भी हमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना चाहिए। आप देख सकते हो इसने अपना मुंह दिखाया थोड़ा सा। साइलेंट किलर नाम से जाना जाता है और यह रात में ही अक्सर करके दिखाई देता है। दो दो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, देख सकते हो आप इसका ये मुंह निकले आया, जिग जिग रहा है। मैं इसका मुंह नहीं निकालना चाह रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके से जाने के मूड में है। और ये जैसे खली होती ना तो चले जाते, देख सकते हो जा भी सकता है। देख सकते हो आप, सुनील रहता है, इसको बाहर ले आओ, अभी इसको बाहर लेके चलते हैं। इसकी आप देख सकते हो लाल कलर की जवान, रात है, साक्षात मृत्यु है। कभी भी दारू शराब पीने के बाद सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शराब पीने के बाद मनुष्य को होश नहीं रहता है और यह बहुत ही होश का कार्य है, क्योंकि इसमें बेहोशी कभी भी हमारी मौत का कारण बन सकती है। क्योंकि यह जीव है, इसको हमने स्पेशली फोन करा था आपको, क्योंकि यह जीव है, इसके पास मात्र बचाव का एक कारण, शांति रखें, इसके पास यह जीव है, इसके पास बचाव का मात्र एक ही उपकरण है, इसका मुंह, क्योंकि ईश्वर ने इसको मुंह के अलावा न हाथ दिए, न पैर दिए, न कान दिए, न पलक दिए, बहुत सी चीजें ऐसी नहीं दी जो हमारे पास है। हम संवेदना
हम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यह कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर सकता है। मात्र यह इसका स्वभाव, जब भी इसके ऊपर ऐसा लगेगा इसको कि मेरी जान पर कोई खतरा है, तो यह मात्र मनुष्य को काटना जानता है। इसका एक ही स्वभाव है, काटना और अपनी आत्मरक्षा करना। मृत्यु हो जाएगी। अभी हम रात है बहुत, अभी इसको हम बंद कर देंगे, सुबह फिर इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो लग दो ये लो भैया। नहीं रख दे, बोतल में आ जाए, जब तो मैं डिब्बा ला तुम पे लाओ यार, एक घंटा दे। हाँ भैया ऐसे। अरे खड़े नहीं रख दे बोतल यार, गिरा दे, तुम दूर रहो। अभी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आज तक सांपों को कभी बोतल में नहीं डाला है। यह बहुत ही टेढ़ा और कठिन कार्य है, इसमें जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, या कोई हमारे नौकर और हमारे पालतू जीव नहीं है कि हम जिससे जो कहेंगे वो ये करेगा ही करेगा। देख सकते हो आप बोतल के मुंह पर जाते हैं, डिब्बा हो तो इस तरीके से ये बड़ा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, लेकिन कोशिश करते हैं हम, स्टील का डिब्बा चल जाएगा, स्टील का ले हम कोशिश करते हैं हम फिर भी इसको अंदर डालने की। नहीं नहीं नहीं, स्टील में भी नहीं आएंगे, जा सकता है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बोतल पकड़ जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बहुत ही कठिन है ये सांप, तुम कम बोल, तू कोशिश करेंगे अभी इसको अंदर डालने की। बात है मत बना अन्नू भाई, मनीष भाई दारू को खामना है, चुप रहो, मेरे दिमाग में मत बताओ, गाली गलौज बिल्कुल नहीं चलेगी। तो पहचान लिया उसने, लाओ कुछ स्टील का लेके आओ, नून भाई ले आओ, नून भाई नॉन करो, वो शांति रखो, तुम शांति रखो, तो भाई खिलाए, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, जा रहो जा रहो, तो वापस लौट आते यार, बंद कर मोबाइल, तू रट पकड़ ले, तू पकड़ ले, समय पकड़ ही रहो हुआ है, क्या खाम खाई बात कर रहा है, अब आई नहीं जाओ, जाओ अरे ओ आवाज नहीं थी ये तेरी। अब देख सकते हो, बस 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 कोशिश करेंगे हम इसको, एक बार ही अंदर जाएगा तो अगली बार ही अंदर चला ही जाएगा, मेरा अनुभव होता है। ले भैया जाओ डिब्बा, या चेटे ही हुआ था, मेरा देखा देखी कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आप समझ सकते हो यह जिंदगी का जुआ। मेरे उस्ताद मैं जल्दी ढक्कन दे, ढक्कन दे, ढक्कन ढक्कन यही तो था, यही पाओ तुम, यही तो दो, अच्छा यही तो रखता था, अब ढक्कन तुमने इसको बोतल के अंदर पैक किया, बोल जरूरी नहीं है तुम्हारा, बोलोगे नहीं मुझे खेत करने के लिए कुछ लिया जाए, जिससे कि इसको ऑक्सीजन लेने में मदद मिले। मुरली वाला क्या आशीर्वाद, मैंने इसको इसके अंदर पैक किया, लेकिन आप देख रहे थे भाई लोग, जरा दिखाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, वारूणी ले लेते हैं, वो भाई वारूणी लेने के बाद इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, कर रहे थे, मैंने इनको बुलाया, छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, इससे नहीं छोटी चीज चाहिए, छेद करने निकल जाएगा, जिससे कि कभी भी आपकी जान जोखिम में आ सकती है। और मैं कहूंगा कि हमें पूर्ण होश में, बिना नशे के भी, हमें जब भी हम सांप के साथ कोई कार्य करते हैं, मैं अपने रेस्क्यू करने वाले भाइयों के लिए कहूंगा, तो ना पूर्ण होश के साथ सांपों के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी निगाह चूकती है या हमसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो वह हमारी आखिरी गलती होगी, क्योंकि यह जिंदगी का जुआ है। बिल्कुल, और भाई साहब कई बार प्रयास कर रहे थे इनको मारने की, मैं कहना चाहूंगा इनको मारना नहीं है, ये जीव है, जोखिम में आ सकती है। और मैं कहूंगा कि हमें पूर्ण होश में, बिना नशे के भी, हमें जब भी हम सांप के साथ कोई कार्य करते हैं,
मैं अपने रेस्क्यू करने वाले भाइयों मारने जब परोपकार अभी अभी हमने एक रियासी इलाके से, उसको रियासी इलाका भी नहीं बोला जा सकता लेकिन मनुष्य रहता है तो कहना पड़ेगा कि रियासी इलाके से अभी अभी 10 मिनट पहले एक यह क्रेट नाम का बहुत ही विषैला सर्प रेस्क्यू किया है। दो शराबियों के बीच से आपस में कोशिश कर रहे थे कि मैं पकड़ूंगा लेकिन मैं कहूँगा कि उनका जीवन, सबका जीवन ईश्वर सलामत रखे। उनके दिमाग में आया किसी तरीके से, उन्होंने मेरे पास कॉल की तो आप समझ सकते हो वीडियो में देख के किस तरीके से वो सांप को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरीके से हमारी वीडियो को या बड़े बड़े रेस्क्यूरों की वीडियो को देखकर मनुष्य सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है और हादसा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि यह बहुत ही खतरनाक जीव है, इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना की जाए। तो अभी रात है बहुत ही, मैं सांपों को बहुत देर तक अपने पास कभी भी कैद करके नहीं रखता हूँ क्योंकि इन्हें क्या, पूरे संसार में सबको आज़ादी पसंद है तो मैं इसको अभी आज़ादी दूंगा। इसके बारे में मैंने तमाम वीडियो में बहुत ही बारीकी से बताया है और दिन में फिर कभी भी हम ऐसे करेत सांप को पकड़ेंगे तो बारीकी से आपको और अत्यधिक बता, आप देख सकते हो बाहर निकलने के लिए किस तरीके से छटपटा रहा है, भूखा भी हो सकता है, प्यासा भी हो सकता है। इसको हम पूरी आज़ादी देंगे और जब कभी दूसरा ऐसा करेत सांप पकड़ेंगे कोई भी जहरीला तो हम उसको, आपको उसकी खूबसूरती पूर्ण रूप से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इसको जाने देंगे, आजाद कर देंगे। तो इसको हम जाते हुए देखेंगे किस तरीके से जाएंगे। मधुमक्खियाँ भैया छोड़ा छाड़ी मधुमक्खी का मेरे यहाँ पे आ गया बच्चे को मैं बाहर निकल जाएगा। अभी हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बोतल में से बाहर निकाल के हम इसको जाएंगे यहाँ से। अब देख सकते हो अभी ये बाहर निकलेगा, बोतल के बिल्कुल मुंह के पास आ गया है। अब देख सकते हो किस तरीके से आजाद है, पूर्ण रूप से कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। हमने इसको आजाद किया। जब भी हम किसी जीव की प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत ही शांति मिलती है। आप देख सकते हो हमारे पास नहीं आ रहा है, ये सीधा अपना रास्ता ले रहा है और चलता चला जा रहा है क्योंकि सांप बहुत ही शर्मीले स्वभाव का होता है और ये मनुष्य से दूर ही रहना चाहता है। तो इसे देखते ही अनायास मारे ना, आपके आसपास जो भी सांप रेस्क्यूलर रहता हो कृपया उन्हें बुलाया जाए। हम पहुँचे, हमने टाइम से उस सांप की प्रतीक्षा की। मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल अपने फ़ोन में सब्सक्राइब करें। जयपुर का, जयपुर का।